हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एम स्टॉक जो कि बहुत ज्यादा फेमस है अपने जीरो ब्रोकरेज के प्लान के लिए, तो एम स्टॉक ने एक नया माइलस्टोन हासिल किया है अपने आप में ही। तो वो माइलस्टोन है 1 मिलियन ट्रेड्स एक ही दिन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 1 मिलियन ट्रेड्स इन अ सिंगल डे, मतलब एम स्टॉक पर 10 लाख ट्रेड्स हुई है एक ही दिन के अंदर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन इसीलिए है क्योंकि एम स्टॉक को लॉन्च हुए कुछ ही टाइम हुआ है और कुछ ही टाइम के अंदर इतना बड़ा माइलस्टोन उसने हासिल कर लिया है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? तो ये पॉसिबल हो पाया है एम स्टॉक के जीरो ब्रोकरेज प्लान के कारण, क्योंकि जो अदर ब्रोकर्स हैं वो ट्रेडिंग के दौरान क्या है कि 20 रुपीज पर ऑर्डर, 20 रुपीज पर लॉट चार्ज करते हैं, पर एम स्टॉक क्या है कि जीरो ब्रोकरेज चार्ज करता है, जिससे क्या है कि जो ट्रेडर्स हैं बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, दिन में बहुत ज्यादा ऑर्डर लगाते हैं, तो उनके तो काफी ज्यादा पैसे बच जाते हैं। अगर सालाना अगर काउंट करते हैं तो सालाना काफी ज्यादा पैसों की बचत हो जाती है सिर्फ ब्रोकरेज ब्रोकरेज के अंदर, जिसके कारण एम स्टॉक ये माइलस्टोन हासिल कर पाया है। और ये न्यूज जो है आप बिजनेस टुडे के आर्टिकल के अंदर भी पढ़ सकते हैं, वहां पर भी आपको हेडलाइन मिलेगी, मेरा एसेट का ई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म एम स्टॉक, उस पर 1 मिलियन ट्रेड्स हुई है वो भी सिंगल डे के अंदर। और उसके अलावा उन्होंने काफी सारी जानकारी दी है एम स्टॉक के बारे में, इसके अंदर 6 मिलियन डाउनलोड्स इन लेस देन 10 मंथ्स, अब 10 महीनों के अंदर 60 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स है। और उसके अलावा 78,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है इन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर, ये भी बिजनेस टुडे के आर्टिकल के अंदर आप पढ़ सकते हैं। और 1 मिलियन ट्रेड सिंगल डे में होने के साथ साथ एम स्टॉक के पास 1.4 लाख ट्रस्टेड यूजर्स हैं, और ये भी बहुत कम समय में ये हासिल किया है। और 6 करोड़ प्लस ट्रेड्स हो चुकी हैं एम स्टॉक पर, ये भी अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। और उसके अलावा 73% एक्टिव क्लाइंट्स हैं एम स्टॉक के पास। जी हाँ दोस्तों, लोग डीमैट अकाउंट तो खुलवा लेते हैं पर क्या है कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, पर एम स्टॉक के पास 73% एक्टिव क्लाइंट्स है जो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग रेगुलर करते हैं एम स्टॉक पर। और दो, और इसके अलावा 155 करोड़ प्लस MTF बुक है एम स्टॉक के पास। तो ये जो नंबर है अपने आप में ही काफी बड़े नंबर हैं जो कि एम स्टॉक ने कुछ ही समय में हासिल किए हैं। तो 1 मिलियन ट्रेड्स का जो माइलस्टोन हासिल किया है एम स्टॉक ने, वो अपने जीरो ब्रोकरेज प्लान के कारण, तो उसको भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि अदर ब्रोकरेज के अंदर हमें कितने चार्जेस देने पड़ते हैं और एम स्टॉक पर कितने ज्यादा पैसे बच जाते हैं सालाना ब्रोकरेज के। तो देखिए, जैसे अदर ब्रोकर्स हैं वहां पर हमारे ब्रोकरेज जो लगती है 20 रुपीज पर ऑर्डर या 20 रुपीज पर लॉट, तो पूरी जो ट्रेड होती है उसकी हमें ब्रोकरेज देनी पड़ती है 40 रुपए, पर उसके बजाय अगर हम एम स्टॉक पर ट्रेड करते हैं तो हमें जीरो ब्रोकरेज देनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, जीरो ब्रोकरेज। हाँ, हालांकि गवर्नमेंट चार्जेस, सेबी चार्जेस वगैरह लगते हैं, पर ब्रोकरेज बिल्कुल भी जीरो है। तो देखिए दोस्तों, 20 रुपीज पर ऑर्डर अदर ब्रोकरेज पर लगते हैं, अगर हम 20 ऑर्डर भी पर डे लगाएं, मान लो 10 ट्रेड करें, 20 ऑर्डर मतलब 10 ट्रेड डेली भी करें, और वही ट्रेड हम वापस एम स्टॉक पर करते हैं डेली, मतलब 20 ऑर्डर लगाते हैं और मतलब 10 ट्रेड लेते हैं एम स्टॉक पर डेली, तो 96,000 मतलब 96,000 जैसी बचत हो जाती है एम स्टॉक पर। ये जो कैलकुलेशन है आप एम स्टॉक की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं और आप पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं खुद से, क्योंकि अगर हम 20 रुपीज पर ऑर्डर अदर ब्रोकर के साथ पे करते हैं तो देखने में तो थोड़ा छोटा नजर आता है, पर सालाना के हिसाब से काउंट करते हैं, पूरा ईयरली काउंट करते हैं, तो काफी ज्यादा पैसों की बचत हो जाती है, ये आप साइड में देख भी सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जीरो ब्रोकरेज लेता है, नो ऑर्डर लिमिट्स है, तो कुछ ना कुछ तो ये चार्ज लेता होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलग अलग प्लान है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेडर हैं तो इसका एक प्लान है 999 रुपीज प्लस GST, ये आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम एक बार देना पड़ता है, तो आपके लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज लगेगी डिलीवरी के अंदर, इंट्राडे के अंदर, FNO के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, IPO के अंदर, करेंसी के अंदर। तो ये प्लान ट्रेडर्स के लिए काफी यूजफुल है क्योंकि इसके अंदर ब्रोकरेज जीरो है, और हाँ, हमें सेबी चार्जेस और गवर्नमेंट चार्जेस तो देने ही है, पर ब्रोकरेज जो है वो जीरो है। फिर आप कहेंगे कि मैं तो ट्रेडर हूं नहीं, मैं तो इन्वेस्टर हूं, तो मैं 999 रुपीज क्यों पे करूं? तो आपके लिए भी एक प्लान है 149 रुपीज प्लस GST। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डिलीवरी, IPO, म्यूचुअल फंड के अंदर आपके कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी। उसके बाद भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंट्राडे के अंदर, FNO के अंदर, तो आपके 20 रुपीज पर ऑर्डर बाद में लगेंगे। अब दोस्तों आता है AMC चार्ज, मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, यहां पर क्वार्टरली लगता है 120 रुपीज पर क्वार्टर, और ये भी अगर आप नहीं पे करना चाहते हैं तो 999 रुपीज प्लस GST और पे कीजिए और आपके लाइफ टाइम AMC भी फ्री हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सारी चीजों के लिए अलग अलग प्लान है।
और तो और इनका MTF मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसको ई मार्जिन भी बोलते हैं, उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे कम है 7.99%। तो सालाना अगर देखें तो अदर ब्रोकर से काफी ज्यादा बचत हो जाती है ई मार्जिन के अंदर भी। इसके अलावा वन क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, वॉइस सर्च, ऐसे काफी सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं एमस्टॉक पर। और उसके अलावा बात करें एमस्टॉक की, तो एमस्टॉक जो है मिराई एसेट का ही पार्ट है, और मिराई एसेट इंडिया के अंदर काफी जाना माना नाम है पिछले 15 सालों से, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर भी मिराई एसेट का काफी बढ़िया नाम है। तो एमस्टॉक जो है मिराई एसेट का ही पार्ट है, और इंडिया के अलावा भी मिराई एसेट काफी सारी कंट्रीज के अंदर है। तो देर किस बात की है, अभी ही डीमैट अकाउंट ओपन करें एमस्टॉक के साथ और जीरो ब्रोकरेज का आनंद लें। और उसके अलावा और भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और उसके अलावा आप एमस्टॉक की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं, इसकी प्राइसिंग देख सकते हैं, और उसके अलावा ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी चीजें मन में तसल्ली हो जाए उसके बाद डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी एमस्टॉक पर। और 1 मिलियन ट्रेड सिंगल डे के अंदर जो एमस्टॉक ने माइलस्टोन हासिल किया है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। Investments and securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.